निर्माण किए हुए संगठन, कई संगठन है उनके नाम नहीं लेते, लेकिन आज के रूप में ये तीन संगठन प्रमुख जी, जो जो बाबा साहब ने संगठन खड़े किए हैं उनको हम लोग ने खड़ा करना, उनको बल देना, वो संगठन चलाना आज की जवाबदारी है मैं समझता हूँ जी। बाबा साहब की सोच थी यही संगठन से समाज के प्रश्न जो है जी, समाज के प्रश्न हम लोग यही संगठन के साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब इनके फाउंडर और चेयरमैन रह चुके हैं। बिल्कुल सर, इसके लिए भारतीय बौद्ध महासभा ये समता सैनिक दल का हम लोग ने आयोजन किया जी, महाराष्ट्र में नहीं तो देश भर में जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी है वहाँ ये समता सैनिक दल है और इसी डिसिप्लिन से चलते हैं। मैंने देखा कई साल मैं इस दीक्षा भूमि पर आ रहा हूँ, ये दीक्षा भूमि पर जब धम्म चक्र परिवर्तन दिन आता है लाखों की संख्या से लोग महाराष्ट्र और देश भर से आते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनकी व्यवस्था करने के लिए, उनके लिए भाई रांग लगाने के लिए, उनकी समस्या चुड़ाने के लिए कोई भी संगठन के लोग यहाँ नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए ये टाइम मैंने तैर कर दिया, मैंने दो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि मेरे समता सैनिक दल आएंगे और लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ खड़े रह जाएंगे। बिल्कुल, हम पुलिस के भरोसे पर इसकी ये नहीं कर सकते भाई, इसकी देखभाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा संगठन है, इसके लिए समता सैनिक दल के जवान कल से यहाँ लगे हुए हैं जी, आज भी शाम तक समता सैनिक दल के जवान यहाँ दीक्षा भूमि में रहेंगे जी, और दिखाएंगे भाई समता सैनिक दल जो बम्बई में 6 दिसंबर में समता सैनिक दल 3,500 लोग हम लोग डिपुट करते हैं। बिल्कुल, भीमा कोरेगांव में जहाँ 15,00,000 लोग आते हैं वहाँ समता सैनिक दल है जी, और इसी दल के सामने जो पुलिस प्रशासन पर जो प्रेशर है जी जी भाई लॉ एंड ऑर्डर का, वो हम लोग समता सैनिक दल सहते हैं, यह संदेश देने का इसके लिए मैं समता सैनिक दल लेके आया। अपील करना चाहता हूँ यहाँ के नौजवानों को जी, भाई समता सैनिक दल ये बाबा साहब का है और इस समता सैनिक दल में अब ज्वाइंट हो जाओ, एक अच्छा सा शिस्ती का पालन, एक डिसिप्लिन लाइफ आने वाले समय में अपने जीवन में जग लो। बिल्कुल, जो जवान उम्र में 20 साल से ऊपर होते हैं 30 साल तक होते हैं वो यहाँ वहाँ भटकने की मेरे को लगता है उन पर ज़्यादा ये होती है, नशीले पदार्थ है, वाइट मार्ग पर जाते हैं, इनके लिए समता सैनिक दल एक डिसिप्लिन है, और जो पैरा मिलिट्री फोर्स का हम लोग इनको प्रशिक्षण देते हैं, इसी से वजह से हमारा समाज उभर के आएगा, एक आदर्श समाज जो बाबा साहब ने सपना देखा था वो आदर्श समाज में समता सैनिक दल के माध्यम से देखना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सर, दूसरा एक सवाल मेरा कि आपके आगे जो पॉलिसी होगी समता सैनिक दल को लेकर, एक हर घर में से एक जैसा युवा या तरुण समता सैनिक दल में सहभागी हो, साथ ही साथ एक महिला भी अगर इस समता सैनिक दल में हर परिवार से आती है तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन का एक नया हम माहौल यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। हम लोग ने पहले ही ऐलान किया है कि समता सैनिक दल का एक एक अपने फैमिली से एक एक लड़का हमें दे दो। बिल्कुल, अपना काम धंधा अपनी पढ़ाई देते समय खाली शनिचर और संडे में इनका ट्रेनिंग रहता है। बिल्कुल, इसके लिए 2 घंटे का ट्रेनिंग रहने के लिए वो ट्रेनिंग से समता सैनिक दल का जवान होता है। हम लोग ने अभी समता फोर्स की निर्मित की है जी, जिसका अभी कैंप सांगली में हुआ है, जो कमांडो काम करते हैं वैसा समता सैनिक दल के ट्रेनिंग 7 दिन की ट्रेनिंग दे दी, कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग दे दी, और कमांडो फोर्स समता सैनिक दल से ही कमांडो फोर्स हम लोग निर्माण करेंगे। महिला समता सैनिक दल हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं, और महिला समता सैनिक दल के साथ साथ हम लोग महिलाओं के घर में भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम लोग धम्म पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जब एक महिला प्रशिक्षित होती है, बौद्ध धम्म का आचरण करती है घर से, तब पूरा वो फैमिली, वो पूरा समाज, वो पूरा घर बौद्धमय होता है, ये हम लोग की अभी हम लोग ने देखा है। इसीलिए हम लोग महिलाओं पर, बाल सामनेर पर करके समाज में एक आदर्श समाज, बौद्ध समाज इस देश में फिर खड़ा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और हमें आशा है कि हमारे को समाज भी अच्छा सा प्रोत्साहन दे रहा है। जय भीम, जय संविधान। दर्शकों, ये थे समता सैनिक दल के